फाइनली गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज भाई हमारा व्लॉग है पूरा। ओ तेरी आईफोन गिर ना, 1.5 लाख रुपया वाला बता। अबे देख ऐसे बंदा है, देख अगर गिरा ही खड़ी। ओ तेरी गिर गया। नहीं नहीं फोन का कुछ नहीं आया, लेमन सिंपल ट्री आज स्क्रीन वो करवा कर लाएंगे, इसको कवर लाएंगे, कवर लाएंगे भाई। जड़वा 1.5 लाख रुपए की बातचीत आ कभी ऐसी तैसी की तैसी हो जा। तो भाई गाइस आज हम जा रहे हैं पहले सर्विस कराने टाटा के शोरूम में, अपने यहाँ पे कहाँ से अपना बल्कि कटेल नहीं जाना अपना। हाँ कटेल से पहले जो अपना पक्के पुल से पहले एक काम नहीं आया करा, उल्टी सड़के ना उसका पक्के पुल से पहले उसे उल्टा का नहीं काम आया करा। कमोपुरा कमोपुरा के सामने बन रहा है सर्विस सेंटर, नहीं करवाने जानी। तो गाइस जैसे ये देख चुके हो आप, न्यू माइक ले चुके हैं हम यहाँ पर खर्चा कर कर। अब वॉइस में भी आपको क्लियरिटी आएगी हमारी। और आज जैसा कि आप देख रहे हो हम जा रहे हैं टाटा के शोरूम में और सर्विस है आज गाड़ी की। थोड़ा एसी में मतलब कूलिंग भी चल रही है इसकी, तो आपको दिखाते हैं टाटा के शोरूम में हम मतलब कैसी फैसिलिटी है और कैसे सर्विस करते हैं वो गाड़ियों की। और गाड़ियों में मतलब नॉर्मल सी बात है, टाटा की गाड़ी में जान ही जाना है ना चाचा, टाटा की गड्डी में जान नहीं होगी तो अपनी गड्डी में बैठकर से फीलिंग आ, टेंशन फ्री लगेगी लग्जरी अगले गैस से करते। बढ़िया गाड़ी है, थोड़ा सा बस लोग नहीं एवरेज स्विफ्ट का नहीं, एवरेज दो चार तो अच्छा एवरेज पर के पर पड़ा, मतलब 2-3 किलोमीटर स्विफ्ट देगी यार, जोर लगा 20 के एवरेज ठीक है, अरे देवा 15-16 की, तो 4-5 मिनट में अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी होनी चाहिए आदमी। बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी है तो जिंदगी, क्योंकि स्विफ्ट एक बार लगी ना बैंड ही हो सारी टूट जाए, कुछ भी नहीं होता उसमें, कागज की गाड़ी मुड़ मर जा। तो टाटा वैसे भी इंडिया की कंपनी है भाई, तो ज्यादा रेफरेंस देख के कार नहीं, ज्यादा रेफरेंस अपनी अपनी कंपनी अपने देश की कंपनी से करना चाहिए ना कि मतलब दूसरों की, मतलब जैसे जो बाहर से आ जाए चलो ठीक है अच्छी बात है सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन पहले अपना देश है भाई और अब कोशिश करनी चाहिए अपने देश की गड्डी ले नहीं चाचा। महंगी तो महंगी है, जगवार भी ले लो अगर ज्यादा दिक्कत है भाई, अपने इंडिया का सामान महिंद्रा ले लो जिसने ज्यादा वो महिंद्रा भी अपनी है, मतलब कि ज्यादा यूज करोगी मतलब इंडिया की कंपनियों से ही सामान परचेज करें, बाहर की कंपनियों पर GST भी ज्यादा दोगे आप, और फिर उसके बाद चलो फैसिलिटी भी दे रहे हैं बाहर की कंपनियां जैसे, लेकिन इंडिया तो इंडिया ने बनी है सब दे रही है, इंडिया भी बहुत तरक्की कर रही है इस टाइम, ऐसी बात नहीं है। टाटा अच्छे फीचर दे रही है गाड़ियों के अंदर, बहुत बढ़िया फीचर आ रहे हैं टाटा के इंजन में, अच्छा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई टाटा की, मतलब बहुत बढ़िया। आज आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखाएंगे हम शोरूम में, खड़ी होंगी जाचो हां खड़ी पोलादी डायलॉग मार दो लैनो भाई ना कौ पोलादी खड़ी हुआ देख ले गए रोस्टे गाड़ियां पोलादी नहीं है। अच्छा हाँ भाई अपने ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, इमीडिएटली बनाया बंदे तो सवेरे भी कहता था चमा चल सर्विस करवाने चला, कोई बात नहीं भी जो टाइम जिना जो करवाना भाई करवाना, ते तुमने सुनाई भी थी दिन रावण वाली बात है। रावण तमा तो गुस्सा हो गया, हनुमान बैठे थे पास, अब वो पकड़ लिया उसकी वाइफ ना, रावण की वाइफ ना, हनुमान बोल रहा आज तो गंदा काम देखो, ब्रह्मा ना शिव शंकर भगवान रूल बनाए सारे टूट गए थे, तो आज मेरे हाथ काम जो को माता रानी का हाथ ला दंदे यो सीता का को इसका ही सिस्टम यही है, कोई मौके भी खत्म हो गए काम रूल बना से राम राम आ बैठे नाराज जिंदा राम ना लीला कर लगी इधर आया क्यों मैं तो ना यार एक मुख्य में बातचीत ही कर दी, उस दिन रावण को इतनी काम हो जाता सिस्टम दूसरी जगह बना दो फिर टूट सकता यो पुल जो सा हनुमान महाराज ने दे दी गुंठी सीता दे, माता रानी पूछ रही अच्छा मतलब श्री राम आएंगे नु कह रहे हाँ अरे आप जय मतलब आप हो भाई आप कैसे मतलब मन छुड़वा के ले जाओगे, मैं नहीं का, मेरे जैसे पोता को तेरे जैसे पोता तेरे जैसे ही बस फिर तो हो गया काम भाई, माता रानी तो डाउट था भाई पहले, माता रानी ना फिर तो मेरे लगा तो हमारा तो यहाँ तक पहुंचा नहीं तेरे बहादरी हमारा, उनका माता रानी तो अड़के में ले रही मैं ना कहना माता तुम बहुत अड़के में ले रही मैं, ऐसी बात भी नहीं इतना भी मतलब नुकरा, वो तो अनुमति ही श्री राम की अनुमति ही ये है कि मैं सिर्फ पता लगा के आऊ जनु कहना नहीं काम कुम नमटा का माता रानी ने लिया आया तो मैं आप ही कर दूंगा यहाँ काम। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं टाटा के शोरूम में कि हाँ ये रहा भाई टाटा का शोरूम, ये है भाई टाटा का शोरूम, आज यहाँ पर सर्विस है गाड़ी की, देखते हैं क्या सीन है भाई, भीड़ है भाई
भीड़ आया टाइम में गाड़ी लग रही भीड़ हुई ना इतना टाइम को ना दी तीन तीन गाड़ियों इकट्ठी सर्विस कराए देखे ना लो भाई। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं भाई टाटा के शोरूम में और यूट्यूब के लिए पहले ही सैलरी आ रही है यूट्यूब पे तो फिर मैं सोच रहा हूँ टाटा टियागो ईवी लेने की सोच रहे हैं हम यूट्यूब की पहली सैलरी पे अच्छा सही नहीं है बस आधे भी से आ जाओ आधे में हम बाकी तो पूरे तो कर लेंगे सरकारी नौकरी वाले बंदे के लोग हमारे ऐसे बात नहीं है। इलेक्ट्रिक गड्डी लेने की सोच रहे हैं हम जैसे हमारी पेमेंट आएगी ना यूट्यूब से तो पहले इलेक्ट्रिक गड्डी लेनी है। ओके ईवी तो यार जमी मुंडी खड़ी कर रही है तो दसा सी रखी आ रहे हो तो जमी ओके देख रहे बैठ रहे वाओ ये गियर सिस्टम है भाई इसका फुल ऑटोमेटिक ये दूसरी जो पेट्रोल वाली से बड़ी है थोड़ी है स्पेस में इससे बड़ी है सर है सेम ही है सेम ही है मतलब कि वो साइज सेम है ये चार्जिंग का क्या प्राइस है इसके स्टार्ट बेस के सर बेस मॉडल से स्टार्टिंग है सर इसका 10,18,000 से 10,18,000 से बेस मतलब ये बेस है सर ये टॉप है टॉप मॉडल है ये कितने का है मतलब इसकी ये सबसे टॉप मॉडल है इसकी क्या कुछ बैटरी है मतलब कि भाई विल तो है नहीं सर इसमें विल नहीं आते इसमें इलेक्ट्रॉनिक विल नहीं आते नहीं सर इसमें विल कवर आएंगे विल कवर अच्छा कोई भी जैसे जो नेक्सॉन भी ले उसमें नहीं आएंगे विल नहीं आते हैं सर विल अलग अलग आते हैं टॉप मॉडल में भी आ गए तो टॉप से थोड़ा बैटरी कितने साल चलती है सर इनकी आप बताएंगे बैटरी सर इसमें ना जैसे अगर आप 19 वाट की बैटरी आती है एक 19 वाट की बैटरी 24 वाट की बैटरी आती है ठीक है अगर आप 19 वाट वाली बैटरी लो सर उसमें 250 किलोमीटर तक चलेगी और 24 वाट वाली बैटरी तो 315 315 और सर मतलब लाइफ कितनी होती है बैटरी की लाइफ सर 1,60,000 किलोमीटर हो जाएगा तो या फिर 8 साल 1,60,000 टाइम और किलोमीटर जो भी पहले होगा सर उसी हिसाब से मतलब या अगर ज्यादा चलाने वाला है तो जैसे बैटरी जो बदलवानी पड़ेगी वो कितने प्राइस तक की बदल जाती है बैटरी पूरी चेंज नहीं होती सर उसके कुछ अंदर के पार्ट चेंज होते हैं अच्छा वो कितने प्राइस है वैसे कुछ प्राइस वैसे वर्कशॉप से पता लगेंगे फिर भी फिलहाल 2-3 लाख इतना ही होगा भाई 2-3 लाख होता सर लेकिन सेल्फ चेंज हो जाएंगे पूरी बैटरी चेंज नहीं होगी आप हो जाएंगे 50,000 लाख ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक गड्डी है इसमें गियर नहीं है बिल्कुल भी 1 लाख और ये बहुत मतलब ये लगाओ कि बैटरी की 1,00,000 चला देंगे ये भाई थोड़ा सा मिस हो गया हम पावर आते हैं सर पेमेंट आएगी तो पहले इसे ही लेंगे हम बेस में पावर आते हैं सर ये देखो इसमें सिर्फ ये एक ब्रेक है और एक ये रेस है सिर्फ ओनली आपका राइट लेग ही यूज करेगा ब्रेक एंड रेस में हैंड ब्रेक है एक गियर है ये न्यूट्रल बेस मॉडल में न्यूट्रल मैनुअल आते हैं आर बैक न्यूट्रल ड्राइव स्पोर्ट्स ये नॉर्मली ड्राइव का मतलब नॉर्मल ड्राइव और ये स्पोर्ट्स ये ड्राइव मोड न्यूट्रल मोड और एक रिवर्स मोड होता है और एक स्पोर्ट मोड होता है ठीक रिवर्स मोड वो वाला गियर मैनुअल वो नहीं है वो नहीं ऑप्शन है इसलिए 10 लाख की ये चाबी है भाई इसकी ये एक्सटी मॉडल है सर ये 10 लाख इसमें सिर्फ ब्रेक मारनी है हमें स्टार्ट करनी है प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग रखा है ना ये है फुल डिजिटल मीटर पेट्रोल का आप करने वाले फिर भी वही बैटरी बदलवाने में भी प्राइस पड़ जाता है स्टार्ट है सर अभी स्टार्ट हो चुके वही है सर हम स्टार्ट ये न्यूट्रल मतलब सर इसमें ड्राइव मोड होता है ये सर ड्राइव मोड है ड्राइव पे अभी चलेगी गाड़ी सर ओके ओके ये न्यूट्रल मोड है ये है रिवर्स मोड ठीक है कितने किलोमीटर चल जाती है सर 19 वाट वाली तो अभी सर 250 किलोमीटर 24 वाले वाली वाट वाली तो 300% ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड होता है हां अभी जैसे आप ज्यादा हाई फुल डिजिटल है भाई फुल डिजिटल है गाड़ी कोई चक्कर आ जाएगा किसी हिसाब से गाड़ी चलाओगे ओके हमारे सर लोकल में चलनी होती है नाइस हमने पंच ले रखी पहले एक पंच ले लिया हमारी है तो ये बहुत मतलब कंफर्टेबल लगा है ना लोकल के लिए थोड़ा आपके घर पे चार्जर लगा दें कि हमारी एवरेज ऐसा है ना हमारी एवरेज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगी है भाई गाड़ी 12-1300 का एवरेज देती है लोकल में कम सर चार्जिंग मतलब टाइम कितना है इसका चार्जिंग होने का चार्जिंग टाइम सर वैसे 1 घंटा होता है सर इसमें 1 घंटे में मतलब पूरी आपके जो घर पे चार्जर लगेगा सर वो थोड़ा कम वोल्ट का लगेगा तो उसमें आपसे 1.5 से 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा ओके ओके चार्जर लगवाना पड़ेगा वोल्टेज पे हमारी कंपनी के चार्जर करते हैं बाकी जो आजकल फास्ट चार्जर सर ये नहीं है क्या मतलब कहीं भी जाके हम ओके ऐसा चार्जर होगा सर ऐसा चार्जर होगा ये सर मैंने देखा है वहाँ पे करण लेक पे लगा हुआ है नहीं काफी जगह देखा है मैंने सभी जगह आप ढाबे पे लगते हैं यानी कि ढाबे पे लगते हैं हां गोल्डन नट पे लग रहे हैं वो दोस्तों ठीक है सर
ये गन्ना इसका लगाने के लिए होता है सर, जैसे आप इसको ऊपर करोगे तो ऐसे ही लगाने से डायरेक्ट और ऐसे ही निकालनी है, कुछ लोग ना ऐसे ही ला ला के निकाल लेते हैं। पॉइंट हां 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 वैसे ही सीधा पॉइंट सीधा निकाल लेते हैं। जल्दी कर दिया अपना पंच लेन मनी। हां हां थोड़ी जल्दी कर। हाँ यार हम तो नहीं लो, फिर गड्डी दूसरी भी तो आप सर्विस पा रहे हैं उसकी। सर वो जैसे कैसे कटेगी जो उसको दे के ये लेना चाहें? क्योंकि मेरा लोन है पहले उस पे भी। एक बार समझा दोगे? मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ। एक बार आप गड्डी का देखोगे कितने किलोमीटर चली है सर? वो मैं दूसरी टीम से मैं चेक करा देता हूं कितने किलोमीटर। आप सिर्फ दिखा सकते हो मतलब? चलो बहुत बढ़िया सर। गड्डी अगर आपकी लोकल चलती है, लोकल के लिए बहुत हमारे लोकल ही चलते हैं सर ज्यादा। इस बार जाने नहीं मिले बहुत ज्यादा लोकल चलती है क्योंकि ना हमें करनाल करनाल से ड्यूटी पे अपनी जॉब पे इतने चलते हैं। थोड़ा बंदे सोचना पड़ता है इसके लिए, लेकिन लोकल में बहुत बेस्ट है। ये फिर बंदे ले मांगते भी नहीं है भाई, चार दिन में भी समझते हैं। मेरी गड्डी मांगी बहुत चलती है गांव में, इधर दूर जा नहीं सकते क्योंकि भाई बैटरी डाउन होगी, दिक्कत हो जाएगी। बहुत मतलब की फैमिली बड्डी बहुत अच्छी है। फाइनली गाइस आप जैसे कि देख चुके हो, भाई टाटा ने बहुत बढ़िया गाड़ी निकाली है 10 लाख की रेंज में सिर्फ।